Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum to everyone. Welcome to our channel. तो आज हम अपने पैथोलॉजी के लेक्चर को फर्दर प्रोसीड करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेलुलर एडॉप्टेशन। अब सबसे पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड की बात करते हैं इस टॉपिक्स के ऊपर। सेलुलर एडॉप्टेशन का मतलब क्या है? सेलुलर एडॉप्टेशन का मतलब ये है कि जब नॉर्मली जो सेल होता है वो हेमोस्टेसिस में होते हैं, सही, वो हेमोस्टेसिस स्टेट में होता है, यानी इनके जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी उनका जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो बैलेंस होता है, वो हेमोस्टेसिस के स्टेट में होता है। अब जब कभी भी आपके पास स्टिमुलाई आ जाता है या जब कभी आपके पास कोई स्ट्रेस आ जाता है तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में या इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में क्या करता है, चेंज लाता है, सही है। अब जब वो चेंज लाता है तो उस चेंज के अगेंस्ट सेल जो है वो अपने आप को एडॉप्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो जो नए एनवायरनमेंट बनी हुई है उस एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव कर सके। इसका मैं आपको एक एग्जांपल वैसे जनरली देता हूँ, जब कभी आपको गर्मी लगती है ना तो आप फैन ऑन करते हैं ताकि जो एनवायरनमेंट में चेंज आया हुआ है उस एनवायरनमेंट के अगेंस्ट आप अपने आप को अडॉप्ट कर सके, आप अपने आप को सर्वाइव कर सके। तो सिमिलर लाइक दिस, जब सेल के एनवायरनमेंट में चेंज आ जाता है तो सेल उसके अगेंस्ट क्या करता है, अडॉप्टेशन करता है। अब सेल अडॉप्टेशन कैसे है, तो सेल अडॉप्टेशन क्या, सेल क्या करेगा, किस तरह अपने आप को अडॉप्ट करता है? तो एडॉप्टेशन और रिवर्सिबल चेंज इन द नंबर, यानी सेल अपने नंबर में इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है किसी भी एनवायरनमेंट में, यानी किसी भी स्टिमुलस के रिस्पांस के अगेंस्ट सेल जब अपने आप को एडॉप्ट करता है तो अपने नंबर में या डिक्रीज कर सकता है या इंक्रीज कर सकता है। चेंज इन द साइज, यानी साइज में उस चेंज लाता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी या जो उसके जो मेटाबॉलिज्म है उसमें भी चेंज ला सकते हैं, या जो सेल के जो फंक्शंस होते हैं उसमें चेंज ला सकते हैं। एंड रिस्पांस टू चेंज इन द एनवायरनमेंट, जब उसके एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है तो उसके रिस्पांस में सेल जो है वो अडॉप्टेशन करता है। अब सेल आर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द एनवायरनमेंट, से कॉन्स्टेंटली एडजस्टिंग देयर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन टू अकोमोडेट चेंज डिमांड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रेस। सेल आर नॉर्मली एन हेमोस्टेसिस स्टेट, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। सेल इनकाउंटर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस और पैथोलॉजिकल स्टिमुलाई, जब फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस या पैथोलॉजिकल स्टिमुलाई आ जाता है तो सेल्स क्या करते हैं, वो एनवायरनमेंट को एनवायरनमेंट में चेंज लाता है तो उस एनवायरनमेंट के अगेंस्ट सेल अपने आप को क्या करता है, अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, सही है, अचीविंग न्यू स्टेडी स्टेट एंड प्रिजर्विंग वेबिलिटी एंड फंक्शंस। अब ये जो दीज चेंजेस मेड बाई द सेल एंड रिस्पॉन्स टू एडवर्स एनवायरमेंटल चेंजेस, जब आपके पास कोई भी स्टेमुलस आ जाता है तो वो उस सेल के एनवायरमेंट में चेंज लाता है। सेल नॉर्मली हेमोस्टेसिस कंडीशन में होता है तो उस हेमोस्टेसिस कंडीशन को, जो स्टेट है हेमोस्टेसिस स्टेट है, उसको डिस्टर्ब करता है। तो जब वो डिस्टर्ब होता है तो सेल फिर अपने आप को अडॉप्ट करता है ताकि जो ये जो नेक्स्ट एनवायरमेंट है उसमें सेल जो है अपने आप को क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। तो उसके लिए फिर जो है वो चेंज इन द साइज करता है, चेंज इन द नंबर करता है, चेंज इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है, चेंज इन द फंक्शंस करता है और उस एनवायरनमेंट के अगेंस्ट अपने आप को क्या करता है, अडॉप्ट करता है, अपने अडॉप्टेशन करता है ताकि उस एनवायरनमेंट में अपने आप को सर्वाइव कर सके। यहाँ पे एक बात हमने बोली कि सेलुलर अडॉप्टेशन आर रिवर्सिबल चेंजेस, रिवर्सिबल चेंजेस का मतलब ये है कि सेल अडॉप्टेशन करता है जब आप उसके एनवायरनमेंट है जो नॉर्मल बन जाता है, नॉर्मल हेमोस्टेसिस कंडीशन में वो वापस आ जाता है तो सेल जो है जो अडॉप्टेशन होते हैं, मतलब उस सेल जो है नॉर्मल अपने नॉर्मल कंडीशन में फिर उस सेल वापस आ जाती है। अब यहाँ पे हम कुछ अडॉप्टेशन पढ़ते हैं जिसमें हमारे पास सबसे पहले एट्रॉपी, हाइपरट्रॉपी, हाइपरप्लेसिया एंड मेटाप्लेसिया, ये कुछ अडॉप्टेशंस है, सही है। जब सेल्स के एनवायरनमेंट में चेंज आता है तो सेल ये अडॉप्टेशन जो है अडॉप्ट करते हैं, सही है, इस अडॉप्टेशन की तरफ चले जाते हैं और उस एनवायरनमेंट में अपने आप को क्या करते हैं, सर्वाइव करने की कोशिश करता है। एट्रॉपी, एट्रॉपी कैसे कहते हैं, एट्रॉपी हम कहते हैं इज अ डिक्रीज इन सेल साइज या श्रिंकेज इन द साइज ऑफ द सेल।
एट्रोपी का मतलब ये है कि जो सेल होता है उनका जो नॉर्मल साइज होता है वो उस नॉर्मल साइज से उस सेल क्या करता है, अपने साइज को डिक्रीज करता है, अपने साइज को कम करता है, या वो जो सेल होता है उसमें श्रिंकेज हो, जब श्रिंकेज होगी तो आपके पास सेल की जो साइज होगी वो तो डिक्रीज होगी। बाई द लॉस ऑफ सेल सब्सटेंस इज नोन एज एट्रोपी। एट्रोपिक सेल में है डिमिनिश फंक्शन बट दे आर नॉट डी। अब मतलब क्या है इस बात का, एंट्रोपी क्या है, डिक्रीज इन द सेल साइज, सेल साइज इसमें कम हो जाता है। लेकिन ये बात याद रखनी है कि एंट्रोपी के दौरान जो सेल होता है उसके फंक्शंस ख़त्म नहीं होते, ऐसे नहीं होते कि सेल जो है उसमें श्रिंकेज हो जाती है और सेल के जो फंक्शन है वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाती है। सेल के फंक्शन होते हैं, अलबत्ता जो नॉर्मल फंक्शन जो सेल के होते हैं उससे थोड़े से कम हो जाते हैं। यानी कुछ फंक्शन तो होते हैं लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जब एट्रोफी सेल्स के अंदर हो जाते हैं तो उसके जो फंक्शन होते हैं वो अपने फंक्शन परफॉर्म करने में फेल हो जाते हैं या उसके फंक्शन जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो वहाँ पे फंक्शंस होते हैं लेकिन फंक्शन नॉर्मल सेल जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उससे वो कम होते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ आती है कि कॉजेज ऑफ एट्रोफी, डिक्रीज वर्कलोड। डिक्रीज वर्कलोड का मतलब ये है कि आप जो है बस मोबिलाइजेशन आप में नहीं होती है, मूवमेंट वगैरह आप नहीं करते, बस एक जगह आप लेटे हुए होते हैं और कोई काम वगैरह जो है नहीं करते, तो वो जो जो सेल्स होता है जो मतलब वो फिर एट्रोपी की तरफ चले जाते हैं। सही है, आपके बॉडी की जो सेल्स होते हैं वो एट्रोपी की तरफ चले जाते हैं। इमोबिलाइजेशन ऑफ लिम्ब टू परमिट हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर। सही है, फिर इसमें आपके पास लॉस ऑफ इनर्वेशन, जब आप किसी भी आपके बॉडी के पार्ट्स को क्या क्या मतलब जो सेल्स है उनको नर्व सप्लाई जो है वो मतलब नहीं होती है, लॉस हो जाती है, तो फिर वहाँ के जो सेल्स होते हैं वो एट्रोफी की तरफ चले जाते हैं। फिर ब्लड सप्लाई, डिमिनिश ब्लड सप्लाई, इसका मतलब ये है कि आपके कोई भी सेल्स वगैरह है, कोई टिश्यू है, तो वहाँ पे जो आपके पास ब्लड सप्लाई है वो बहुत ही कम हो जाता है, मतलब ब्लड सप्लाई ना होने के बराबर होते हैं, तो फिर वहाँ इस टिश्यू के जो सेल्स वगैरह होते हैं वो फिर एट्रोपी की तरफ चले जाते हैं। ये एट्रोपी के कॉजेज है कि किस वजह से एट्रोपी होती है। इसके अलावा डिक्रीज वर्कलोड जो कि ऑलरेडी हमने बता दिया, इमोबिलाइजेशन या लिम्ब फ्रैक्चर वगैरह हो जाते हैं, तो फिर मतलब फ्रैक्चर का मतलब यहाँ पे क्या है, लिम्ब फ्रैक्चर हो जाते हैं। सही है, तो फिर आप वहाँ पे वो मूवमेंट वगैरह नहीं कर सकते। सही है, ताकि वो जो मतलब जो फ्रैक्चर है वो हील हो जाए, तो उस दौरान आपके मूवमेंट वगैरह अगर ज़्यादा टाइम मतलब के लिए नहीं होगी तो फिर आपके जो मतलब जो सेल्स वगैरह है उसमें एट्रोफी हो सकती है। इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन का मतलब ये है, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, हमने पीछे पढ़ लिया कि हमारे पास जो है ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाती है तो फिर एट्रोफी होगी। अब जब ब्लड सप्लाई आपके पास कम हो जाते हैं तो ये बात कंफर्म है कि मतलब जो न्यूट्रिशन है वो आप उसकी डिफिशेंसी आएगी, क्योंकि जो न्यूट्रिशन है वो तो ब्लड ही ट्रांसपोर्ट कर रहे टिश्यू को और सेल को। इसके अलावा लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन, क्योंकि कुछ ग्रोथ वगैरह जो होते हैं वो हार्मोन्स की स्टिमुलेशन से ग्रोथ वगैरह होती है। सही है, तो जब एंडोक्राइन स्टिमुलेशन का मतलब ये है कि जब हार्मोन्स वगैरह जो है वो रिलीज़ नहीं हो रहे हैं उसकी, सही है, तो उस वजह से आपके पास भी एट्रोफी हो सकती है। फिर इसके बाद है एजिंग, एजिंग का मतलब ये है कि जब इंसान जो है वो बूढ़ा हो जाता है ना, एज जो है वो ज़्यादा हो जाता है। सही है, तो उसमें आपके पास लॉस ऑफ टीथ है, हेयर है, थिकनिंग ऑफ स्किन है, देख के ट्रंकल्स या वीकनिंग मसल जो है वो फिर वीक हो जाते हैं, फिर उसके जो वेट्स ऑर्गन्स होते हैं से वो वेट लॉस करते हैं। सही है, और मेंटल एक्टिविटी जो है वो फिर उनकी भी सही नहीं होती, जो ओवर एज लोग होते हैं ना, तो उस दौरान भी आपके जो सेल्स वगैरह होते हैं बॉडी के उसमें भी एट्रोफी होती है। सही है, अब जो सेलुलर एडाप्टेशन है ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं एंड पैथोलॉजिकल भी हो सकते हैं। यानी कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं कि जो नॉर्मल कंडीशन में आपके जो सेल्स है वो एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, मेटाप्लेजिया यानी इस कंडीशन में चले जाते हैं, और कुछ कंडीशन पैथोलॉजिकल होते हैं कि जिसमें वो सेल जो है वो अपने आप को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है सम स्टिमुलस ऑफ फिजियोलॉजी, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉस ऑफ हार्मोन स्टिमुलेशन एंड मीनोपेज ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन एंड देन शट डाउन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम पैथोलॉजिकल। इसका मतलब ये है इस पॉइंट का, इस एग्जाम्पल का,
जब फीमेल जो है वो 40 या 40+ उसमें जब मीनोपेस होता है, मीनोपाज होता है, तो मीनोपाज का मतलब ये है कि जो मेंसेस होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, सिंपल सी बात ये है। तो उस दौरान जो हार्मोन होते हैं उनकी जो स्टिमुलेशन होती है वो लॉस हो जाती है। तो जब हार्मोन की स्टिमुलेशन लॉस होती है तो फिर आपके पास उस वक्त एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है उसकी जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, और जब उसके लेवल्स कम हो जाता है तो आपके पास जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो शट डाउन हो जाता है से। और अगर इसके आप पैथोलॉजिकल एग्जांपल लेते हैं कि जब डिनर्वेशन होते हैं यानी लॉस ऑफ इनर्वेशन होता है तो उस दौरान भी यही कंडीशन हो जाती है। इसके बाद एट्रॉपी ऑफ द ब्रीस्ट कैन अकर विद प्रोलॉन्ग एस्ट्रोजन रिडक्शन एज विद मीनोपेस। जब मीनोपॉज हो जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसकी डिक्रीज हो जाती है, उसकी लॉस ऑफ स्टिमुलेशन हो जाती है, तो जो ब्रीस्ट है जो उसके जो साइज होते हैं वो एट्रॉपी उसमें हो जाती है और वो साइज उसमें डिक्रीज होती है। और इसके अलावा आपके पास अगर एस्ट्रोजन की रिडक्शन हो जाती है पैथोलॉजिकली या किसी भी दूसरे पैथोलॉजिकली, अगर एस्ट्रोजन मतलब उसके हार्मोन की स्टिमुलेशन जो है वो नहीं होती है तो उस वक्त भी आपके पास एट्रॉपी आपका ब्रीस्ट हो सकती है। इसके बाद हमारे पास टेस्टिकुलर एट्रॉपी विद प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एनफ एक्सोजीनियस सेक्स स्टीराइड। अब आप स्टीराइड्स को यूज़ करते हैं सही है, जिसमें आपके पास एंड्रोजन या एस्ट्रोजन आप यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, तो ये गोनेडोट्रोफिन सिक्रीशन को क्या करते हैं, रिड्यूस करता है, और उस वजह से फिर आपके पास जो है टेस्टी यानी जो टेस्टिकुलर है, टेस्टिकुलर एट्रॉपी का मतलब ये कि आपकी जो टेस्टी है उसकी जो साइज होता है वो फिर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है आपके पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले पिक्चर में आप देख सकते हैं आपके पास जो है सॉरी बी नंबर पिक्चर में आप देख सकते हैं कि आपके पास जो ब्रेन है वो नॉर्मल ब्रेन है। जो दूसरा आप देख सकते हैं इसमें आपके पास जो ब्रेन है वो एट्रॉपिक ब्रेन है, यानी उसमें आपके पास आप देख सकते हैं कि जो ब्रेन के जो सेल्स होंगे, ब्रेन के जो सेल होते हैं उसमें डिक्रीज आई हुई है, उसके उसमें श्रिंकेज आई हुई है, उसके जो सेल के साइज है उसमें एट्रॉप उसके जो सेल्स है उसमें एट्रॉपी हो गई है, और आपके पास जो ब्रेन है वो नॉर्मल से आपके पास अगर आप एट्रॉपिक ब्रेन बन जाए बन गया है सही है। अब मैकेनिज्म ऑफ एट्रॉपी की ईट्रॉपी कैसे होती है सही है। एट्रॉपी मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस एंड इंक्रीज प्रोटीन डिग्रेडेशन एंड सेल। आपके पास क्या होता है, एट्रॉपी कैसे होती है कि जब हार्मोन्स की डिग्री मतलब लॉस ऑफ हार्मोन स्टिमुलेशन हो जाता है या न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी आ जाती है या आपके पास लॉस ऑफ इनर्वेशन हो जाता है या लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई हो जाता है, लॉस ऑफ इमोबिलाइजेशन हो जाती है, तो वो जो सेल्स होता है उसमें जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो कम हो जाती है, और जब प्रोटीन की सिंथेसिस कम हो जाती है तो जो प्रोटीन की डिग्रेडेशन होती है वो बढ़ जाती है। तो आपके पास जब प्रोटीन की सिंथेसिस कम होगी तो आपके पास लाजमी बात है कि आपके पास वो जो ग्रोथ वगैरह होती है, वो जो सेल के साइज़ वगैरह होते हैं उसमें श्रिंकेज आता है। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि जो आपके पास लॉस ऑफ इमोबिलाइजेशन या ब्लड सप्लाई, तो आप पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो किया करता है रिड्यूस हो जाते हैं। जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिड्यूस होता है आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और जब प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज होता है तो आपके पास फिर क्या हो जाती है, एट्रॉपी हो जाती है। सिंपल सी बात ये, आपके पास क्या हो जाता है, क्या होगा सबसे पहले लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, लॉस ऑफ इनर्वेशन या इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन या लॉस ऑफ इमोबिलाइजेशन, उसकी वजह से आपके पास क्या होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिड्यूस होंगी। जब मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यह मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ, जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपके पास रिड्यूस होगी तो आपके पास प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो कम होगी। अब प्रोटीन की सिंथेसिस कम होगी तो जो प्रोटीन है डिग्रेडेशन उसकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और आपके पास एज ए रिजल्ट क्या होगा, एट्रॉफी होगी। इसके बाद आपके पास यहाँ पे एक टर्म है, इन मेनी सिचुएशन एट्रॉपी इज आल्सो कम बी बाय इंक्रीज एटोफेगी। एटोफेगी का क्या मतलब है कि जब जो सेल्स होते हैं वो अपने सेल के कंटेंट पे फीडिंग स्टार्ट करते हैं यानी उस पे ईटिंग स्टार्ट करते हैं, यानी सेल अपने आप को खाना शुरू करते हैं, तो मतलब उसको कोई भी प्रोटीन्स वगैरह जो है वो नहीं मिल रही है तो सेल जो है वो अपने प्रोटीन्स वगैरह पे क्या करते हैं, ईटिंग स्टार्ट करते हैं, और उसकी वजह से भी आपके पास जो है एट्रॉपी हो सकती है सही है। अब क्यों करते हैं, ताकि वो सर्वाइव कर सके।
तो आज के ये हमारे पास ये जो लेक्चर्स है ये बहुत लेंथी हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि हम पार्ट बाय पार्ट जो है इस सेलुलर एडाप्टेशन को इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ताकि आप बोर ना हो, ताकि आप इसको एंजॉय करके आप इसको सीखें। इसमें आप में से किसी को भी किसी भी कोई क्वेश्चन करने हैं आपने, किसी भी जगह पॉइंट पे आपको समझ नहीं आ रहा, तो बेशक जो है आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि व्यूज ज़्यादा आते हैं और सब्सक्राइबर जो कम होते हैं, तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ दोस्तों को इनवाइट करें इस चैनल्स के ऊपर, ताकि वो इसको सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह इस वीडियो इस लेक्चर्स को इस टॉपिक को हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम इसको अच्छे तरीके से जो है कवर कर सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट इसका हम नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे हाइपरट्रॉफी, फिर मेटाप्लेजिया, और इस तरह हम इस लेक्चर को इस टॉपिक को इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए तब तक के लिए खुदा हाफिज़।